सो हे गाइस, वी आर बैक विद अ न्यू ड्रिंकिंग वीडियो और आज हम लोग वाइन ट्राई करने वाले हैं। इसीलिए तुम देख सकते हो काफी सोफिस्टिकेटेड वाला फीलिंग आ रहा है, वाइब तो आ रहा है ना रिच वाला। लेकिन वैसा मैं तो हूँ नहीं, रिच बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा वाइन के लिए। तो इस वीडियो को काफी लेट हो गया उसके लिए मैं सॉरी, क्योंकि बहुत दिनों से लोग कह रहे हैं कि यार रेड वाइन पे वीडियो बनाओ। तो कल कर के बहुत लेट हो चुका है, तो उसके लिए सॉरी। वीडियो आ चुका है मेरा भाई, आई होप तुम लोग इंजॉय करोगे। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो भाई पहले तो सब्सक्राइब कर लो, हम लोग यहाँ पे धमाल करते हैं, ठीक है। तो बिना लेट किए वीडियो चालू करते हैं, लेट्स सी। तो भाई आज जो वाइन है वो है हमारे पास ये वाला सिड्यूस। ये पोर्ट वाइन है, 12% एल्कोहल है इसमें, और इसका प्राइस वेस्ट बंगाल में है 750 ml का बोतल है। सो या होपफुली काफी मजा आने वाला है। सो भाई आज वाइन के लिए हम लोग ये ग्लास यूज करने वाले हैं, ये वाइन ग्लास है और ये ऑलरेडी सील है, तो ओपन कर लेते हैं हम लोग सील पहले। देयर वी गो। सेंट तो काफी सुंदर है यार, इससे भी काफी महंगा वाला होता है, लेकिन मेरे पास नहीं पैसा था, ठीक है। तो इसे कुछ ऐसे पकड़ते हैं उंगली के भीतर, थोड़ा सा बेंड करो और देयर वी गो, रेड वाइन। तो भाई ये रहा हमारा रेड वाइन। इसका एक नियम है कि आप इसे फुल ना करें, वो अच्छा नहीं होता, वो देखने में अच्छा नहीं होता, वो नियम नहीं है। और ये थोड़ा सा मतलब एकदम मिडिल भी नहीं, लेकिन मिडिल से जस्ट थोड़ा सा कम, ज़्यादा भी कम नहीं और ज़्यादा एकदम टॉप अप भी नहीं। तो कुछ ऐसे सोफिस्टिकेटेड लग रहा हूँ मैं, रिच। थोड़ा स्मेल कर लेते हैं यार, फ्रूट वाला स्मेल आ रहा है, पता है कितना अच्छा स्मेल है ये रेड वाइन का। टेस्ट करके देखते हैं। इतना स्वीट है मतलब क्या बताऊं, मतलब जो रेड वाइन पीता है या कोई भी वाइन पीता है वो तो विस्की या रम कभी नहीं पी सकता, क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है, जहां की वाइन में काफ़ी स्वीटनेस है। और ये थोड़ा हल्का हल्का नशा करेगा, 12% अल्कोहल है, फुल बोतल में 12% अल्कोहल है। तो भाई ये तो क्या ही बताओ, एक साइलेंट सा म्यूजिक ही हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, एक साइलेंट सा लव सॉन्ग। लेट्स गो। So भाई और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं बता देना चाहता हूँ। मैंने ये रिसर्च किया थोड़ा रेड वाइन के बारे में, तो मुझे पता चला जिस वाइन में ज्यादा बबल्स होता है, इसमें जैसे कि देख सकते हो बबल्स बिल्कुल भी फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन जिस वाइन में बहुत ज्यादा बबल फॉर्म करता है ऐसे ऊपर इस लाइन पे, तो वो अच्छा नहीं होता, वो काफ़ी चीप वाइन होता है। और सिर्फ चीप ही नहीं, वो अच्छा नहीं होता, मतलब उसका टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं हो सकता और ऐसा ही कुछ है। और जिस वाइन में बबल्स बहुत कम होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव वाइन माना जाता है और काफ़ी अच्छा होता है। ऑलरेडी इसका प्राइस तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये टेस्ट में काफ़ी अच्छा है। ये एक पोर्ट वाइन है, वाइन का भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है, मतलब बहुत टाइप का होता है, लेकिन ये पोर्ट वाइन है एंड दिस इज ब्यूटीफुल। मतलब इतना प्राइस में भी ये इट्स वंडरफुल। और ऐसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना यार, मतलब ये अगर तुम टॉप अप कर दोगे तो ये नहीं कर पाओगे, जैसे कि मैं इतना स्मूथली ऐसे वेव हो रहा है ना, ये नहीं होगा अगर टॉप अप कर दोगे। और बहुत ज़्यादा कम रखोगे फिर भी अच्छा नहीं लगेगा, तो कैसे फिलअप कर रहे हो अपना ग्लास उसमें ध्यान देना, ठीक है। स्पेशली अगर अपने गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो या दोस्तों में रॉब जमा रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम वाइन ग्लास में कैसे वाइन पोर करते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
Cheers. तो भाई ये था आज का वीडियो, एक छोटा सा वीडियो था, वैसे कुछ है नहीं क्योंकि वाइन के साथ तुम कुछ मिक्स नहीं कर सकते हो, कॉकटेल नहीं बना सकते हो, तो बेकार वीडियो को खींच के कोई फायदा नहीं है। लेकिन दिस इज वाइन, मैरी क्रिसमस, क्रिसमस भी चल रहा है, मतलब चल रहा है कि आज 26 है, 25 अभी गया, तो इट्स क्रिसमस गॉन एंड वी आर गोइंग फॉर अ न्यू ईयर, नया साल आने वाला है। और जैसे कि वाइन पी रहा हूँ तो ऑलरेडी इंग्लिश तो ऐसे ही निकल रहा है, सोफिस्टिकेटेड वाला फीलिंग आ रहा है, पता है ना? अरे यार क्यों हो, वैसे देख सकते हो ये जैकेट जो है ना, ये इन बाहर बैकग्राउंड के साथ मिक्सअप हो गया, ये भी ब्लू, पीछे भी ब्लू, सब ब्लू, सिर्फ ये रेड यो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? और कमेंट करो नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो। Cheers.